एमपी में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है और पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। जहां बीजेपी ने 4 बार के सांसद गणेश सिंह पर भरोसा जताया है, तो वहीं कांग्रेस ने मौजूदा विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा पर दांव लगाया है और बसपा ने ब्राह्मण चेहरे के रूप में पूर्व विधायक नारायण त्रिपाठी को चुनावी रण में उतार दिया है। इस दौरान नारायण ने सतना के निजी होटल में प्रेस वार्ता कर बीजेपी, आरएसएस और सतना से 4 बार के सांसद पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि सांसद अपने कामों का हिसाब दे, उन्होंने सतना की जनता के लिए क्या किया। मैं ये बता दूं, मैं ही चुनौती हूं, सबसे बड़ी चुनौती मैं ये देता हूं। मुझे जो उनके सांसद जी के कर्म है या कोई राष्ट्रवाद का मामला नहीं है, राष्ट्रवाद में डिस्कशन नहीं करना चाहता। राष्ट्रवाद की बात करें तो मैं बता चुका, चाल चरित्र चेहरा उसके प्रमाण भी दे चुका कि हमारा चित्रकूट उपेक्षित है। वो अयोध्या जहाँ से धंधा व्यापार करना, सिर्फ वहाँ से ये धर्म जन्म प्रधान देश नहीं, ये कर्म प्रधान देश है। राम का कर्म भूमि चित्रकूट है। तो जितने झूठ बोलने वाले लोग हैं उसमें मैं नहीं जाना चाहता। यहाँ हर आदमी सम्मानित सांसद जी के कर्मों का उजागर करना चाहता कि आपने किया क्या, किसके बदले हम आपको वोट दिए। आप अपना बता दो ना कि आप किए क्या कि हम आपको वोट देते। जो आदर्श था बीजेपी की, जो नीतियां थी, वो नीतियां सिद्धांत सब कुछ खत्म हो चुका है। अटल जी का चेहरा वो चेहरा था जो एक सीट के दम पर प्रधानमंत्री पद को छोड़ दिए थे, और भारतीय जनता पार्टी जो चाल चरित्र चेहरा वो है कि एक प्रकोष्ठ खुला हुआ है कि पकड़ के ले आओ, ज्वाइन कराओ, जिसकी गिनती ज्यादा होगी उसको पुरस्कार मिल जाएगा। तो जिसको पाया जाता है उसी को पकड़ के ले आया जाता है, उसको पकड़ के बता दिया जाता है। इतने लोगों की भर्ती हो चुकी है, वो चाल चरित्र चेहरा जो सिद्धांत उनके थे वो खत्म हो गए हैं। तो ऐसे दौरान में जो जाता है वो अकेले जाता है, किसी को लेकर नहीं जा सकता। नहीं, जो बीएसपी का वोट बैंक कितना बचा हुआ है सतना लोकसभा क्षेत्र में, ये ज्यादा